तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको नाइकी रिवॉल्यूशन 7 इन शूज़ का आफ्टर यूज़ कैसा रिव्यू है वो बताने वाला हूँ, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है वो बताऊँगा। साथ में क्या आपको इन शूज़ को लेना चाहिए या फिर नहीं ये भी मैं आपको बताऊँगा, ताकि आप एक अच्छा सा जो डिसीजन है वो ले पाओ। तो सबसे पहले तो गाइस लुक्स की बात करें तो लुक वाइज ये जो शूज़ है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हो मिरर में भी ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसमें गाइस मल्टीपल कलर्स आते हैं, बट मैंने यहाँ पे ये वाइट कलर लिया, तो वाइट कलर जो है वो देखने में तो अच्छा लगता है बट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर आप डेली यूज़ के लिए लोगे तो थोड़े डिफरेंट कलर ऑप्शन जो है वो ज़रूर चूज़ करना, नहीं तो ये वाला जो कलर है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए जो है वो हो सकता है। अब बात करते हैं गाइस इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो ओवरऑल गाइस ये जो शूज़ है वो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। ऊपर जो मैश है वो बहुत ही अच्छी एंड ब्रीदेबल है, तो कोई भी स्वेटिंग का एसेज कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता है। साथ ही में यहाँ पे जो राउंडेड लेसेस है वो दी होती है, जिससे इजीली ये जो लेसेस है वो खुलती नहीं है। अगर आप वर्कआउट वगैरह भी करते हो तो एसएच लेसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ ही में मैश होने के कारण ओवरऑल जो शूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। इसके अलावा इस जो इनर सोल है वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट इनर सोल है, एंड आउटर सोल की भी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो जब भी इसके ऊपर प्रेशर आता है तो इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है, एंड ऐसे कोई भी जो शॉक वगैरह वो फील नहीं होता है। इसके अलावा अगर ग्रिपिंग की मैं बात करूँ तो गाइज़ अभी मैं जिस सरफेस पे खड़ा हूँ ये एकदम मतलब प्लेन सा सरफेस है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं मिल रही है, ठीक ठाक सी जो ग्रिप है वो मिल रही है। बट अगर आप रफ सरफेस वगैरह पे चलते हो तो आपको एक डिसेंट सी जो ग्रिप है वो इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल जो शूज़ है वो बहुत ही कंफर्टेबल है एंड दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करूँ गाइस तो मैंने इन शूज़ को जो है वो ऑलमोस्ट 4000 के आसपास जो है वो बाय किया था, बट अभी इन शूज़ के ऊपर गाइस जो है वो अच्छा ऑफर शुरू है, जिसमें आपको ये सेम शूज़ जो है वो 2500 से 3000 के बीच में जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आप शूज़ लेने की सोच रहे हो तो आप नाइकी रिवॉल्यूशन 7 इन शूज़ के बारे में जो है वो सोच सकते हो। अगर आपको ये 2500 से 3000 के बीच में मिलता है तो ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जा सकते हो। अगर 3000 3500 प्राइस है तो मैं बोलूँगा वेट करो, 2500 के आसपास ये जो शूज़ है वो आते हैं जनरली सेल्स में, तो तब गाइज आप इन्हें ले सकते हो, एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए रहेगी एंड लॉन्ग टाइम तक गाइज ये जो शूज़ है वो आपका साथ दे पाएंगे। ठीक है, तो ये रिव्यू गाइज कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड अगर ऐसी वीडियोज़ चाहिए होगी तो वो भी कमेंट्स में बताना। मिलते हैं गाइज ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।